हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 39 का और 40 का। स्टूडेंट्स, ये इस सेशन की मेरी 22 और 23 सेशन की ये जो करंट सेशन हमारा चला उसका ये 82nd वीडियो है। इससे पिछले वीडियोज में ठीक है, मैं बाकी सारे टॉपिक्स और चैप्टर करवा चुका हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से ये क्वेश्चंस देख लीजिए। और ये टॉपिक जो है इन क्वेश्चंस का दोनों का है वो हिडन गुडविल है, हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। इसके पिछले दो क्वेश्चन भी हिडन गुडविल से रिलेटेड थे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से हिडन गुडविल से रिलेटेड। तो मैं इससे पहले स्टेटमेंट कर दूँ आपको, यस क्वेश्चन नंबर 40 के फेस लेवल वाले को उसका क्वेश्चन नंबर 39 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि आसिन एंड श्रेया आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिटेड Ajay has a new partner with 1/5 share in the profits of the firm. Ajay brings 5 lakh as his share of capital. The value of total assets of the firm was rupees 50 lakh and outside liability was rupees 5 lakh on that date. Give necessary journal entry, ek entry mangi for the record of goodwill at the time of Ajay's admission. I also showed you a working. So students, isme ek cheez dekhiye, working to saath ke saath hum karte jaate hain, lekin Asim aur Shreya jo partners hai, 39 question mein hi main baat kar raha hu, उसमें ध्यान से देखिए कि उसकी रेशो नहीं गिवन। और आपको पता है जब रेशो नहीं गिवन होती तो हम क्या लेते हैं, हम उनकी रेशो क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं। क्वाइट ऑब्वियस, तो उसका जो नए पार्टनर का शेयर कितना होता है 1/5, तो ये नहीं बताया कि रिमेनिंग पार्टनर नया हिस्सा किस में बांटेंगे या रिमेनिंग हिस्सा किस में बांटेंगे, तो इसका मतलब उनकी सैक्रिफाइस भी वही रहेगी जो उनकी ओल्ड होती है। और इस केस में क्या है वो 1:1, ठीक है। तो हिडन गुडविल कैलकुलेट करने की गुडविल से नहीं हो सकता, कैपिटल के बैलेंस से नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 39 क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूं। यहां पे आएगा कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। जो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल है कैसे कलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। वो नया पार्टनर कौन है हमारे पास, यहाँ पे अजय, अजय शेयर ऑफ गुडविल कितना है, शेयर ऑफ कैपिटल, अजय ब्रेंस रुपीज 5 lakh, 5 lakh for his 1/5 share, 1/5 share है ना उसका, ठीक है जी, कितना share है उसका 1/5, तो उसकी वो capital किसके लिए आया 5 lakh। Now total capital of the firm on Atul's basis, Ajay's basis, तो ये कैसे आएगी, 5 lakh उसका कैपिटल है, 5 lakh को आपने उसके शेयर से रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी 25 लाख। टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी 25 लाख, इसके शेयर को रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। अब है कि हमें बाकी पार्टनर्स की कैपिटल कैसे निकालनी है, इसमें से हमें बोलना लेस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। ये कितनी है, वो पार्टनर्स है उनके आसिन एंड श्रेया, तो आसिन और श्रेया उसकी कैपिटल कैसे गिवन है ये देखिए, उनके कैपिटल निकालने पड़ेगी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का, क्योंकि बिकॉज उन्होंने हमें टोटल एसेट्स और लायबिलिटी की उनकी कैपिटल का भी बताया। तो एसेट्स कितनी होगी 15 लाख, एसेट्स कितनी है 15 लाख और लायबिलिटीज कितनी है 5 लाख, ठीक है जी। तो सी कितना आ गया दोनों का कंबाइंड, सी 10 लाख का, और इसमें कैपिटल कम, ये दोनों की आसिन और श्रेया की इसका मतलब कितनी आती है कैपिटल 10 लाख की, ये ओल्ड पार्टनर्स की है, ये किसकी है ओल्ड पार्टनर्स की, और जमा कर लो अजय की, अजय की कितनी है, अजय की कैपिटल कितनी है 5 लाख की, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया 15 लाख, तो टोटल कैपिटल बन गई इनकी एक्चुअल वाली 15 लाख, और गुडविल कितनी आ गई 10 लाख की। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 10 लाख, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ध्यान से समझिए, अंडरस्टैंड करिए, हमारे पास क्या गिवन था, अजय की कैपिटल गिवन थी, अजय की कैपिटल कितनी गिवन है 5 लाख फॉर हिज 1/5 शेयर, अजय की कितनी कैपिटल गिवन है 5 लाख फॉर हिज 1/5 शेयर, और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अजय कितना आएगा 5 लाख × 5/1 कितना आ गया 2.5 लाख, सॉरी 25 लाख, 25 लाख आ गया। उसमें से हमें एक्चुअल कैपिटल माइनस करनी होती है ना, बट प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दोनों पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल नहीं मिली, तो हमें क्या करना है, हमें
हमें गिवन है उनका टोटल एसेट्स और लायबिलिटी, उसमें से माइनस करके हम अकाउंटिंग इक्वेशन लगा के हम दोनों की कैपिटल निकाल लिए लास्ट आवर, उसमें नई पार्टनर की कैपिटल ऐड करके वो 15 लाख माइनस कर दिया, तो टोटल गुडविल दिस माइनस दिस करके कितनी आ गई 10 लाख की। तो 10 लाख की ये क्या बनती है हमारी कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, 10 लाख की सॉरी ये क्या आ गई गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, इसी को हम हिडन गुडविल भी बोलेंगे और यही हमारी गुडविल। अब इसके बाद क्या करेंगे, अजय का शेयर निकालेंगे, 10 लाख का गुडविल आ गया, अब अजय का शेयर कैसे आएगा, इसी तरह 10 लाख ही आएगा ना, और उसके साथ हम फिर एंट्रीज कर देंगे। 10 लाख का 1/5 कितना आएगा, क्योंकि 1/5 उसका हिस्सा है, तो 2 लाख आ गया, इसको कैलकुलेट करने की भी हमें जरूरत नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन, 10 लाख का अजय का शेयर को 1/5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 2 लाख उसका हिस्सा आएगा। अब हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है जी, तो वो कैपिटल आया, वो कैपिटल तो वो कोई नहीं लाया, तो सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी, कैपिटल लाया वो, ठीक है, वो गुडविल की एंट्री नहीं मांग रहा, गुडविल तो ऐसे जनरल एंट्री से मांग रहा, गुडविल नहीं उसकी एंट्री नहीं मांग रहा, वो कैपिटल की, हालांकि अगर कमी हो बहुत बहुत सिंपल है वो, ठीक है, जनरल ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर, ये आ जाएगा पर्टिकुलर, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीस, ये क्रेडिट रुपीस, ठीक है जी। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, अजय करंट अकाउंट डेबिट, टोटल गुडविल कितनी बेटा 10 लाख की, 10 लाख में उसका हिस्सा 1/5 का कितना आ जाएगा 2 लाख का, उसका हिस्सा कितना आ जाएगा 2 लाख का, और उसके बाद क्या करेंगे, उन दोनों पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी, किसको, आसिम और श्रेया, आसिम कैपिटल और उसके बाद श्रेयास कैपिटल, तो क्वाइट ऑब्वियस हमें पता है कि इनकी जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो इक्वल है, तो 1-1 लाख चला जाएगा, ठीक है, ओके 1-1 लाख चला गया, तो यहां लिखो बीन गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे गुडविल आ गए। अब स्टूडेंट इसको जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करिए, उसने क्या मांगा है, हम इसकी कैपिटल की एंट्री कर सकते थे, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, पहली बार जनरल एंट्री मांगी तो एक ही आए टू रिकॉर्ड द गुडविल, सिर्फ गुडविल को रिकॉर्ड करने की, कैपिटल की एंट्री उसने नहीं मांगी, इसलिए मैंने नहीं की, अगर आपने करनी है तो आप कर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सिंपल वही आ जाएगी, 5 लाख की बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय से कैपिटल अकाउंट, जब वो कैपिटल की एंट्री कर लोगे तो दूसरी एंट्री ये आएगी, उसने यही मांगी थी, मैंने यही करी, ओके अजय से करंट अकाउंट में जाएगा, बिकॉज वो गुडविल नहीं लाया, और जब कोई नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो आपको अच्छी तरह पता है कि हम उसके करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं, राइट हो, चलिए अब हम बात करते हैं आगे 40th क्वेश्चन की, 4040 40 क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार आप जरा अंडरस्टैंड करिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं दिशा एंड दया, आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1/5 शेयर के लिए उन्होंने क्या किया, हिना को नया पार्टनर एडमिट किया, हिना ब्रॉट 3 लाख एज हिज एज हर कैपिटल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन हिना एडमिशन, इसमें दो एंट्रीज मांगी है, तो चलिए सबसे पहले फिर वही काम करना पड़ेगा, हम उनकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। 40th क्वेश्चन में मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है जी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हिना कितनी कैपिटल आया लाइए वो हिना कैपिटल, हिना ब्रिंग रुपीस कितने पैसे लाइए हिना 3 लाख फॉर हर शेयर कितना उसका 1/5 शेयर, ठीक है जी, अब आ जाएगा कंबाइंड टोटल कैपिटल, अब आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑन
फिनांस बेसिस। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 3 लाख को इंटू 5/1 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 15 लाख का टोटल कैपिटल कितना बन गया, 15 लाख का टोटल कैपिटल कितना बन गया, 15 लाख का। अब इसमें हमें क्या करना है, कंबाइंड कैपिटल या एक्चुअल कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कितनी है, उनका नाम बनेगा क्या है, दिशा दिव्या, दिशा प्लस दिव्या प्लस हिना, और इनकी कैपिटल कितनी है, 4,80,000, 3 लाख एंड 3 लाख, 4,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है, 3×3=6, 6×4=10,80,000, तो ये आ गया 10,80,000, ये कितना आ गया, 10,80,000 आ गया, तो ये हमारी कितनी बन गई, 4,20,000, गुडविल कितनी बन गई, 4,20,000 की गुडविल बन गई, ठीक स्टूडेंट्स। चलो इसके बाद हमें क्या करना है, अब इनकी एंट्री करनी है, ओके इनके बाद इसकी एंट्री करनी है, एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक करो जरा, मैं आपको समझा सकता हूँ, ये देखो वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल ये आ गई इसकी, ठीक है जी। ये देखो मैंने क्या किया, पहले हमने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसके शेयर कैपिटल जितनी लोगों लाया उसका लिख लिया, 3 लाख, 3 लाख फॉर हर 1/4, 1/5 शेयर। उसके बाद टोटल कैपिटल हमने कैलकुलेट करी उसके बेसिस पे, 3 लाख के बेसिस पे 15 लाख आ गया, फिर तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है कंबाइन करके उसमें से माइनस कर दी, तो टोटल गुडविल कितनी बाकी होता था, 4,20,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके बाद अब हम उनकी एंट्री करेंगे, जल्द 40th क्वेश्चन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ उसका फॉर्म बनाना है, उसका फॉर्म बनाना है, तो चलिए उसका फॉर्म बनाते हैं। ओके तो यहां पे आ जाएगा जनरल, यहां क्या आ जाएगा जनरल, ओके तो ये जनरल के फॉर्मेट में मैं यहां पे दो एंट्री का प्रीमियम बना देता हूं, दो एंट्रीज के लिए जगह बना देता हूं, ये दो एंट्रीज, ठीक है जी। और ये एंट्रीज हमें डेट कितने गिवन है, डेट है 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल, ठीक है जी। ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स और ये आ जाएगा लेजर फोलियो, ये डेबिट, ये रुपीस, ये क्रेडिट, ये रुपीस, ठीक है जी। अब सबसे पहले उसकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख, तो बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हिनास कैपिटल अकाउंट कितना, 3 लाख, ये कितना आगे बढ़े, 3 लाख की उसकी कैपिटल आ गई, ठीक है। बीन अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल बाय हिना, ओके जी। अब उसके बाद दूसरी एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, सभी को किस पे जाना है, उनके करंट अकाउंट में, बिकॉज नए पार्टनर का जो गुडविल जब वो नहीं लाता वो तो करंट अकाउंट में जाती जाती है, और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली उन्होंने बताया कि उनके पार्टनर्स के क्या है कैपिटल फिक्स है, कैपिटल जब फिक्स होते हैं तो फिर उनकी एडजस्टमेंट एंट्री भी कहां जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी। तो चलिए यहां करते हैं, हिनाज करंट अकाउंट डेबिट 2 and 2, दिशाज करंट अकाउंट, दिशाज करंट अकाउंट, और दूसरा क्या देगा, दिव्याज करंट अकाउंट, दिव्याज करंट अकाउंट, क्वाइट ऑफ दिस, ये समझ लेना। अब उसमें क्या है, हमारी कैपिटल कितनी आई थी बताइए, 4,80,000, हमारी कैपिटल कितनी आई थी, 4,80,000, तो हिना का कितना शेयर निकलेगा, 4,80,000 को आप क्या करोगे, 1/5 से डिवाइड कर देंगे, तो 4,80,000 को 1/5 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो क्या आएगा, 96,000, कितना आ जाएगा बेटे उसका, कितना कैपिटल है, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5, ये कर लेंगे 84,000, ये तो इसको कितना आ जाएगा, 84,000 आ जाएगा। हमारी जो गुडविल कैलकुलेट करी थी वो हमने करी थी 4,20,000, 4,20,000 का बंधन कितना आ गया, 84,000। अब 84,000 को हमने क्या करना, उनकी रेशियो कौन सी है, 3/5, यही सैक्रिफाइस रेशियो रहेगी, बिकॉज
आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब ये ना बताया हो कि पुराने पार्टनर्स नया शेयर किसमें बांटेंगे तब वो उनकी वोट रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो उतनी ही बनती है, ठीक है। तो आप 84,000 को हम क्या करेंगे, 3/5 और 2/5 में डालेंगे, तो 84,000 को 5 से अगर हमने मल्टीपल डिवाइड किया तो ये आएगा 16,800 × 2, ये आएगा 33,600 इसका, ठीक है जी, ये आएगा 50,400 इसका आएगा 50,400। तो बीन मोड में ट्रांसफर टू, यहां लिख लीजिए बीन गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ये एंट्री करेंगे, पहली एंट्री उनकी कैपिटल की आ जाएगी बेटा, कैपिटल की एंट्री का मतलब क्या है, 3,00,000 आ जाएंगे। उसके बाद हिना के करंट अकाउंट से कुछ पैसे कट रहे थे, हिना के करंट अकाउंट से कितने पैसे कटेंगे, 4,20,000 जो हमने गूगल कैलकुलेट कर लिया उसका 1/5 कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, उसका 1/5 कैलकुलेट कर लीजिए, वो आ जाएगा 84,000। तो इसका मतलब इसको 24 जाना ही जाना, और ये किसमें बटेगा, 3:2 की रेशो में, तो 3/5 और 2/5 करके ये ऐसे एंट्री आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।